हिकअप्स जो हुए वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं, वो पाकिस्तान फैंस को उसका आदि हो जाना चाहिए कि यार हमारी टीम कभी भी हमारी धड़कनों के साथ खेल सकती है। बाबर आजम के ना चलने से हमारी टीम को फायदा हो रहा है, बल्कि हमारे दूसरे जो प्लेयर है वो प्रूव कर रहे हैं हमारे अपर जो ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर है वो नहीं चल सकता, तो एटलीस्ट वी आर हियर और हम भी किसी से कम नहीं। शारजा की गर्मी में बाद नसीम चली है, उसने कराची से खैबर तक मुस्कुराहटे बिखेर, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। एक और सनसनीखेज मैच, एक और पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सनसनीखेज मैच देखने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अफगानिस्तान को हरा दिया। अफगानिस्तान की जानिब से 130 रन का टारगेट दिया गया था और जिस तरह मैं फंबल कर रही थी क्योंकि जिस तरह मैच जारी था तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि अफगानिस्तान ने हमें बहुत टफ टाइम दिया। फैजान हमसे अग्री करेंगे क्योंकि एक बार फिर फैजान लखानी ही हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और जिस तरह मैं आपको कह रहा था शुरू में कि अफगानिस्तान के सामने आप बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल आसान नहीं थी। सीरियसली हमारी सांसें रुक गई थी। टू बी ऑनेस्ट, अफगानिस्तान ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली और बॉलिंग बहुत अच्छी की अफगानिस्तान ने। टोटल इतना ज्यादा था नहीं उनके पास डिफेंड करने के लिए, बट पाकिस्तान के जो निस्बतन काफी अच्छी बैटिंग है उसके सामने अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फजल और जो दूसरा उसका उनका जो बॉलर था बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और लग रहा है कि उमर गुल के गुर दिख रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, उनकी वाइफ की जानिब से कहा गया था कि शौहर जी जरा हौला हाथ रखिएगा। हौला हाथ तो नहीं रखा, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिला और एक टाइम तो आया था कि ऐसा लग रहा है पाकिस्तान मैच हार चुकी है या पाकिस्तान के हाथ से मैच जाता हुआ नजर आया। 17 ओवर से 19वें ओवर के दरमियान 19वां ओवर जब खत्म हुआ पाकिस्तान ने उस 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर 4 विकेटें लूज कर दी। हम 105 पे 5 आउट थे और पैनिक कर गया अचानक, बैक टू बैक जो विकेटें गिरी हमारी, तो उसने पाकिस्तान को थोड़ा ये कह लें कि एक टिपिकल सिचुएशन था। हम आदि हैं, जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो आदि हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट का जो दो तराने हम अक्सर चलाते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और एक और तराना चलता है कि जियो तो ऐसे। Exactly. हमें एक और तराना ऐड कर लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जानिब से कि हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। बिल्कुल, ये ऐड होना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इस तरह का काम पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा भला फ्लो चल रहा होगा वो फ्लो बिगड़ जाएगा फिर अचानक आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी। और आई मीन ये इससे पहले मुझे एक मैच याद पड़ता है, एशिया कप का एक मैच था, शाहिद आफरीदी एक एंड पे खड़े थे, शायद हम बांग्लादेश में खेल रहे थे या श्रीलंका में खेलते हैं आई एम नॉट श्योर, बट शाहिद आफरीदी एंड पे खड़े थे, इंडिया से मैच था, अश्विन को दो गेंदों पे 2 छक्के लगा के उन्होंने मैच खत्म कर दिया, वो भी हम तकरीबन मैच हमारे हाथ से निकल गया था। तो आज जिस तरह नसीम शाह ने खेला है तो मैं तो यही कहूंगा कि शारजा की गर्मी में बाद नसीम चली है, उसने कराची से खैबर तक मुस्कुराहटे बिखेर दी। क्या बात है, वाह वाह, नसीम शाह के लिए तो अभी से ही शेर व शायरी शुरू हो गई, अब ट्विटर पे कितनी तारीफें होंगी, खैर वो तो फिर देखते रहेंगे हम। लेकिन ओवरऑल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ टीम, दोनों तरफ। अच्छा, दोनों तरफा। और देखो शारजा हमेशा से एक फेवरेट ग्राउंड, होम ग्राउंड रहा है अफगानिस्तान के, तो शारजा में अफगानिस्तान टीम का एज होना, अपर हैंड होना या वहाँ की कंडीशन से कंपैरेटिवली बेहतर हम आहंग होना, वो सरप्राइज की बात नहीं है। और एक वाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा अच्छी क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने, इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में भी हमने देखा अफगानिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका को हराया था, फिर श्रीलंका से बड़ा क्लोज मैच हो गया था उनका, तो नो सरप्राइजेस अगर अफगानिस्तान ने अच्छा खेला। लेकिन हमें यह सीखना चाहिए कि हम क्यों कॉम्प्लिसेंट हो गए थे और हमने कुछ विकेट्स ऐसी लूज की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, वो विकेट्स लूज शायद हमने अपने नर्व्स पे उस तरह काबू नहीं रखा, बट खैर कहते हैं ना कि एंड इज वेल तो ऑल इज वेल। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिकॉज एज वी वर डिस्कसिंग इन आर लास्ट वीडियो कि अफगानिस्तान भी एक बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, बहुत स्ट्रांग उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करी, और आज भी हमने देखा कि आउट क्लास बॉलिंग उनकी तरफ से स्पेशली, बहुत जबरदस्त बॉलिंग हुई और मतलब स्टार्टिंग में तो स्कोर बनने ही नहीं दिया। अच्छा देखें, शुरू में पाकिस्तान भी मोहतात अंदाज में खेला था, बट अगेन बाबर जल्दी आउट हो गए, फखर भी अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, और फिर तीसरे विकेट मोहम्मद रिजवान भी, तो वो हमें असल स्कोर देते हैं वो। बट अगेन हम अगर 130 को लेकर चल रहे थे तो
उस मौके पर हमें प्रेशर लेने की कोई जरूरत थी नहीं या रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी. T20 में 130 ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गेटेबल टोटल, तो हमें कहीं प्रेशर लेने की जरूरत थी नहीं. हमने बस कुछ खामियां कर दी, हम शायद थोड़े बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए. अफगानिस्तान ने सिचुएशन को अच्छा एक्सप्लॉइट किया. ओवरऑल आई मीन बोथ द टीम्स प्लेड वेल, लेकिन अफगानिस्तान को मुबारकबाद देनी पड़ेगी, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत इम्प्रूव क्रिकेट खेली और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान वाइड बॉल क्रिकेट में कम से कम एक खतरनाक टीम होगी. वो बड़ी बड़ी टीमों को पछाड़ने की सलाहियत रखती है. एग्जैक्टली, इंडीड इंडीड, ऐसे ही अफगानिस्तान आगे जाके और खतरनाक हो सकती है. साथ साथ हम अगर अभी स्टार्ट करें अपनी बैटिंग से, स्टार्ट हमारा बहुत स्लो था. बाबर आजम एक बार फिर फॉरन आउट हो गए, रन स्कोर नहीं कर सके कोई खास. देखो चौथी इनिंग है जिसमें बाबर स्कोर नहीं कर सका, लेकिन इन चार इनिंग से पहले पिछली सात इंटरनेशनल इनिंग्स आप जिसमें देखें, जिसमें ओडीआई टेस्ट की इनिंग्स भी शामिल है, पिछली सात इनिंग्स में से छह में उसका 50 प्लस स्कोर है और एक तो 50 प्लस उसने 100 में कन्वर्ट किया था. लेकिन एक पूरे टूर्नामेंट में नहीं चलना ठीक है, एक कभी कभार होता है प्लेयर को वो निक नहीं मिलता. अच्छा, बैक टू बैक बैड लक हो सकता है. हो सकती है बैड लक हो सकती है या प्लेयर का एक पैच आता है, बड़े बड़े प्लेयर्स को पैच आता है. बट एक टारगेट उन्हें जाता है कि ऐसा प्लेयर है जो उस पैच से निकल सकता है. और सेकंडली जो दूसरी बात, पिछले मैच में हमने देखा कि बाबर स्कोर नहीं कर सका तो दूसरे प्लेयर्स ने आके स्कोर कर दिया. हाँ, ये बेनिफिट तो हुआ है पूरी टीम को. ये चीजें हमें ब्लेसिंग इन डिसगाइज हमें लेनी चाहिए कि अगर बाबर नहीं कर रहा तो दूसरे बैटर्स कर रहे हैं, दूसरे बैटर्स नहीं कर तो लोअर ऑर्डर कर रहा है. टीम में हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, ये नहीं सोच रहा मिडिल ऑर्डर वाला कि यार टॉप ऑर्डर ने नहीं किया तो फिर मैं अपने शोल्डर्स पे क्यों लूं, या जब शुरू के आठ बैटर्स नहीं कुछ कर पा रहे तो ग्यारहवां सोचे कि यार मैं अपने कंधे पे क्यों लूं, या बॉलर्स ये सोचकर मैदान में उतरे कि यार हमें तो सिर्फ 120 रन डिफेंड करने. हर कोई अपनी एफर्ट दे रहा है, लास्ट बॉल तक एफर्ट दे रहा है. आप हर मैच देख लें पाकिस्तान का, इवन इंडिया वाला मैच जिसमें हम एक बड़ा कम स्कोर कर पाए थे, हमारी बैटिंग बॉलिंग ने एंड तक उसको डिफेंड करने की कोशिश, काफी एंड तक जाके हम फिर वो मैच लूज किया, पहला मैच जो हम इंडिया से खेले थे. तो ओवरऑल एक टीम एफर्ट जो पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है वो बहुत अच्छी चीज है. ठीक है, छोटे बहुत बहुत हिकअप्स जो हुए वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं, वो पाकिस्तान फैंस को अब उसका आदि हो जाना चाहिए कि यार हमारी टीम कभी भी हमारी धड़कनों के साथ खेल सकती है. तो वो चीज इंडिया वाला मैच भी जो हम पिछला जीते हैं उसमें भी कभी गिरना कभी उठना फिर गिरना फिर उठ जाना, तो वन मिनट अप वन नेक्स्ट मिनट डाउन वाली या नेक्स्ट मिनट वन मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप वाली जो सिचुएशन है पाकिस्तान टीम की वो और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को जो खूबसूरत बनाती है वो यही एक फैक्ट है और यही एक चीज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़ी है, जो इसकी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना इस टीम की. Exactly, वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ब्यूटीफुल बनाती है, खूबसूरत बनाती है, दुनिया में एक एक्साइटिंग एलिमेंट बनाती है पाकिस्तान क्रिकेट का, एक यार ये टीम है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है. शायद अगर ये टीम तसलसल के साथ परफॉर्म करने लगे तो हमारे फैंस भी क्या है यार, ये कि हमें डरा ही नहीं रही. एग्जैक्टली, और अनडाउटेडली हमारी जो टीम है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर जाती है. अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, आज का मैच जो हमने देखा, आसिफ अली जैसे ही आउट हो गए मैं उठ के चली गई, नहीं भैया अब हम मैच हार जाएंगे, लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय नसीम शाह, उनके दो छक्कों ने मैच जिता दिया. और एज फैजान सेड के बाबर आजम के ना चलने से हमारी टीम को फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारी टीम हार रही है या हमारी टीम बैड परफॉर्मेंस शो कर रही है, बल्कि हमारे दूसरे जो प्लेयर है वो प्रूव कर रहे हैं कि अगर हम हमारे अपर जो ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर है वो नहीं चल सकता तो एटलीस्ट वी आर हियर और हम भी किसी से कम नहीं है. और ये आज प्रूव हो गया, नसीम शाह से प्रूव हो गया, दो छक्के जो मारे और बाबर ने, तो बाबर को तो खैर मियादाद के छक्के याद आ गए वो देख के. बहरहाल मियादाद बड़े बैटर थे, वो बड़ा अहम मैच था, लेकिन नसीम शाह ने जो कमाल किया है ना, और नसीम शाह बड़ा एक अच्छा एलिमेंट, एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान टीम में ऐड हुए हैं. शाहीन की जगह है, बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, बैटिंग में भी आज उन्होंने अपने गुण दिखाए, तो आई होप कि उनकी फिटनेस भी सही रहे और वो फ्यूचर में पाकिस्तान को एक लॉन्गर रन में आके अच्छा सर्व करे. बट पाकिस्तान टीम में हमेशा अक्सर हम देखते हैं कि एंड में कोई आके कुछ ऐसा काम कर जाता है कि अगले सर पिटते रह जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या, ये हुआ क्या. एग्जैक्टली, अफगानिस्तान ही जीत रही थी ऐसा लग रहा था सबको, लेकिन खैर पाकिस्तानी टीम में जान तब आई आज के परफॉर्मेंस में जब शादाब आए, शादाब ने सिक्स दिए और शादाब ने एक एनर्जी और परफॉर्मेंस बेहतर की, फिर आगे जाके परफॉर्मेंस और रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान जीत गई है. ओवरऑल अफगानिस्तान की तरफ से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. आज का जो मैच था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ज़्यादा ये मैच इंडिया के लिए अहमियत की हामिल था, और इंडियंस बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे
कि आज अफगानिस्तान जीत जाए, क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता तो फिर इंडिया की उम्मीदें जिंदा रहती इस टूर्नामेंट में, जो अब मर चुकी है, वो तमाम अगर मगर सारी नगर ये खत्म हो चुकी है अब इंडिया के लिए। अच्छा, इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट के फाइनल्स की दौड़ से आउट हो गया है, अफगानिस्तान भी फाइनल की दौड़ से आउट हो गया है। ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल खेलेंगे इस टूर्नामेंट के लिए। अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता तो फिर इंडिया के लिए कुछ उम्मीदें फिर से जाग जाती कि इंडिया आज अफगानिस्तान जीत जाता, फिर कल इंडिया जीत जाता, फिर पाकिस्तान श्रीलंका से अपना मैच हार जाता, तो इफ एंड बट स्टिल रहते हैं, बट थोड़ी सी उम्मीद जो इंडिया को मिलनी थी उस उम्मीदों पर आज पानी फिर गया। हालांकि ये रिजल्ट तो आवाम ने कल ही सुना दिया था कि इंडिया आउट ऑफ एशिया कप हो गया, हालांकि कल नहीं हुआ था, आज के मैच के रिजल्ट के बाद इंडिया आउट हो गई। अक्सर हमारे फैंस तो ख्वाहिशात को भी खबर बना देते हैं, तो वो बट मैथमेटिकली इंडिया वाज स्टिल ख्वाहिशात तो ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया का ख्वाहिश तो ये थी। देखो अगर आज अफगानिस्तान जीत भी जाता, हम चले जो इंडिया के हक में इफिन बढ़ती, और अगर आज अफगानिस्तान जीत भी जाता, कल इंडिया बड़े मार्जिन से भी हरा देता और फिर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता, इंडिया की फाइनल की होप्स अलाइव भी होती तो कुछ भी हो जाता। किसी सूरत में अब पाकिस्तान इंडिया का फाइनल पॉसिबल था नहीं, अगर तमाम सिनेरियोस इंडिया के फेवर में जाते तो भी इन दोनों में से किसी एक टीम ने खेलना था। ठीक है जी, नेक्स्ट जो पाकिस्तान का मैच है वो श्रीलंका के साथ होगा, तो आज जितना टफ टाइम पाकिस्तान ने देखा, जितना उन पर प्रेशर आया, तो अब श्रीलंका के साथ उनका मैच, उनकी स्ट्रेटजी, उनका बैटिंग ऑर्डर, उनकी बॉलिंग किस तरह होने वाली है? यस, श्रीलंका देखो वो फाइनल से पहले एक फाइनल होगा, दोनों टीमों के लिए रिहर्सल होगा, दोनों टीमों के पास मौका होगा कि फाइनल से पहले एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख लें, और दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि यार इस मैच में चूंकि उसका रिजल्ट इतना इफेक्ट नहीं करेगा दोनों टीमों की प्रोग्रेस पे, तो दोनों टीमें आगे हो चुकी होगी, तो दोनों टीमें मुझे लग रहा है शायद अपनी मेन स्ट्रेंथ को आराम दे उस मैच में और एक बेंच स्ट्रेंथ को खिलाए, बट दोनों टीमों के पास मौका होगा और खासतौर पर उन प्लेयर्स को मैदान में उतारे पाकिस्तान की टीम जो प्लेयर्स फॉर्म में स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि उनको एतमाद ज़्यादा मिले, बट फाइनल से पहले एक रिहर्सल दोनों टीमों की हो जाएगी और प्रॉब्ली ऑफकोर्स जो टीम जीतेगी तो उसको एक साइकोलॉजिकल एज तो मिल जाएगा अहेड ऑफ फाइनल, बट मेरा ख्याल है पाकिस्तान और करना भी चाहिए पाकिस्तान को कि आप जो प्लेयर्स बर्नआउट हो रहे हैं उनको थोड़ा रेस्ट दें और जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनको। ठीक है जी, और साथ साथ हमने आज के मैच में कुछ कैंडिड मोमेंट्स भी हमने विटनेस किए, शादाब और विकेट कीपर के साथ थोड़ी हमें मस्ती भी नज़र आई, तो जो कि बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज हम बहुत डिसअपॉइंट हो रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। जैसे शादाब आए, शादाब ने पाकिस्तानी फैंस को खुश कर दिया और साथ साथ काफ़ी हीटअप मोमेंट्स भी हमें नज़र आए आज के मैच में, बट एनीवेज वी आर होपिंग कि पाकिस्तान का जो अच्छा ये हीटअप मोमेंट ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस का पार्ट बन चुके हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस, उसमें भी आपको बड़ी हीट मिलती है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में शायद आपको इतनी हीटेड मोमेंट ना मिले क्योंकि अब ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया इतने मैच्योर हो चुके हैं और एग्रेशन एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती है। पाकिस्तान बांग्लादेश मैच में भी आपको हीटअप मोमेंट मिलते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच में 2019 में भी हमने देखा थोड़े से अनवांटेड किस्म के मोमेंट्स आ गए थे, इसके पिछले वर्ल्ड कप के मैच में भी हमने देखा कुछ मोमेंट्स ऐसे आ गए थे जो नहीं होने चाहिए थे, आज भी हमने देखा कि थोड़े से मोमेंट्स फील्ड में नहीं होने चाहिए थे और फील्ड के बाहर भी फैंस के दरमियान भी नहीं होने चाहिए। यार क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है, आपको क्रिकेट फील्ड पर आप बाबर आजम की जो शाबाशी थी जब नसीम शाह ने कैच ड्रॉप किया था, तो उसे भी काफी कंपेयर करे रोहित शर्मा के अग्रेशन और बाबर आजम के कामने से कि हमारी जो टीम है वो बहुत एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल हमारा बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया। जिस तरह इंडिया की टीम हारी और जिस तरह रोहित शर्मा का रिएक्शन और बिहेवियर हो रहा है वो थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनकी टीम के अगेंस्ट जा रहा है। विराट कोहली भी एग्रेसिव थे बट विराट कोहली टीम को साथ लेकर चल रहे होते थे, रोहित में मे बी आई एम रॉन्ग बट यू लग रहा है कि वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो एक एक लीडर में होनी चाहिए थी। रोहित नो डाउट बहुत अच्छा बैटर है, बहुत कमाल का क्रिकेटर है, एज अ कैप्टन उनको भी बहुत चीज़ें प्रूव करना पड़ेगी। हाँ, वो प्रेशर में आके फिर इस तरह के जो बिहेवियर है वो सामने इंसान का आ जाता है। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। हम फैज़ान लखानी के लिए आज गिफ्ट भी लाए थे, उन्होंने हमें पहले शो में बोला था कि गिफ्ट कहाँ है, तो ये जो प्लांट है ये उनका गिफ्ट है और जैसे ही हमारा शो एंड होगा वो ये घर ले जाएंगे आपको पसंद आएगा। इसमें फल कौन से लगते हैं? इसमें फल आपके सामने जो भी है।
चले जी, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम को। ऐसे वैसे हम इस चीज़ को भी हम टच करना चाहेंगे जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की है और जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं इस टाइम पे, जो हमें विक्ट्रीज दिख रही हैं तो काफ़ी काबिल तारीफ है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि एशिया कप भी पाकिस्तान जीते, क्योंकि अभी जो हमारी जो इंडिया, जिससे ख्वाहिश थी हमारी इंडिया के साथ मैच हो, वो तो नहीं हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी अगर हुआ तो वो भी ज़बरदस्त हमें देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और फैजान लखानी को एक साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।